हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, प्लीज बी सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे एट होम। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और उसमें हम लोग को आइडेंटिटी पढ़ना है फॉर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स के लिए, तीन वेरिएबल्स के लिए, और कैसा आइडेंटिटी, उसका स्क्वायर्स का एंड उसका क्यूब्स का। ठीक है, तो जब स्क्वायर का बात आता है तो हम लोगों ने दोनों बाइनोमियल के लिए, ट्राइनोमियल के लिए पढ़ लिया है। एंड अब जब क्यूब का बात आता है तो हम लोगों ने बाइनोमियल्स का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। एंड आज हम लोग बस एक टॉपिक छोटा सा बाकी रह गया है जिसको बोलते हैं क्यूब ऑफ अ ट्राइनोमियल, मतलब एक ऐसा आइडेंटिटी जो तीन वेरिएबल का है। ठीक है, जिसका क्यूब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो ये सब हम लोग को सीख चुके हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं अभी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है, क्यूब ऑफ अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब तीन वेरिएबल। अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, वो तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी। ओके, तो देखिए। ओके चलो, सपोज ये हमारे पास क्वांटिटी है, कैसा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जानना है मुझे, ये क्या होगा। ठीक है, ओके, तो सिमिलरली हम लोग को तो ए प्लस बी प्लस सी का नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। पर हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये तो पता है ना कि ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। ये तो हम लोग को पता है कितना होता है, बोलो, ए क्यूब, सही सही, बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये ए प्लस बी प्लस सी को कैसे सॉल्व करें हम लोग? तो एक काम करते हैं ना, जैसा हम लोगों ने स्क्वायर्स के केस में किया था वैसे ही मान लेते हैं इस क्वांटिटी को x, मतलब कि लेट x इक्वल्स टू बी प्लस सी। उस केस में ये हो जाएगा a प्लस एक्स का क्यूब। और ये तो पता है हम लोग को कि a प्लस एक्स का क्यूब क्या होता है, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। दो सम, दो वेरिएबल का सम का क्यूब तो पता है हम लोग को क्या होता है, पहला वेरिएबल का क्यूब प्लस दूसरा वेरिएबल का क्यूब प्लस थ्री इंटू पहला वेरिएबल इंटू दूसरा वेरिएबल, ब्रैकेट में पहला वेरिएबल प्लस दूसरा वेरिएबल, मतलब सिंपली ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री ए एक्स इंटू ए प्लस एक्स। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करें, वापस से एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दे इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस एक्स का क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी का क्यूब प्लस थ्री। इसको सॉल्व कर, क्या सॉल्व, सॉल्व कैसे कर, इसको x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा मुझे, तो x का वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा, 3 a इनटू b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं हम लोग, इसको कुछ नहीं करते, ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग, इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं लोग, a 3a x की जगह b प्लस c और x का b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, इसको ऐसे रखे हैं हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये a क्यूब का a क्यूब ही रहेगा प्लस, अब फिर से अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं a प्लस बी का क्यूब का फॉर्म में, क्या होगा, यहां से आएगा b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू बी सी इंटू 3b प्लस सी। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया क्या। ठीक है, तो फाइनली यहां पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, एक्चुअली हम लोग को ना यहां पर एक रिलेशन तक पहुंचना है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली में इसको यूज करके एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, और वो रिलेशन देखने में कैसा है, हम कहाँ लिखे हैं समझ नहीं पा रहे हैं हम। ठीक है,
अच्छा ठीक है, एक्चुअली जो मेन पर्पस है हम लोग का वो ये है कि हम लोग को यहाँ से शुरू करके, यहाँ से करके एक इक्वेशन पे पहुंचना है। अब उस पे पहुंचने के लिए हम लोग को कुछ मीन्स लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 × BC इंटू, यहाँ पर बी प्लस सी है, ये क्वांटिटी बी प्लस सी है, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये माइनस ए ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, आपको देगा सिंपली बी प्लस सी। पर ये ए प्लस बी प्लस सी लिखने का एक रीजन है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस कुछ समय के लिए मुझे भरोसा कर लो बस, ठीक है। एंड सिंस अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग को एक दूसरे पे थोड़ा बहुत तो भरोसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके भैया चलो कोई बात नहीं है, हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। ओके चलो ये हो जाएगा 3a × b + c × a + b + c, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने बस ये लाइन को एलिमिनेट किया और ऐसे लिखा और बाकी सब सेम रखा है हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × BC × a + b + c - ये क्वांटिटी को हमने एक साथ रखा माइनस 3abc × a, मतलब -3abc, क्लियर है। और ये हो गया प्लस 3a × b + c × a + b + c, आई होप इतना क्लियर है। हमने बस इसको सॉल्व किया ये चीज में, और ये फैक्टर में स्प्लिट कर दिया इसको, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, ठीक है। ओके अब एक बार देखो, प्लीज नोटिस करना, हम लोग राइट हैंड साइड में ये टर्म रखते हैं, ये टर्म और ये टर्म छोड़ देते हैं, और ये जो बाकी दोनों टर्म है, ये वाला एंड ये वाला, इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, क्या बोले हम, इन दोनों को यहीं पे छोड़ दो और ये दोनों को इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब था, ठीक है। अब हम ये टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3bc × a + b + c, और ये प्लस है तो जब ये टर्म भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3a × b + c, और फिर ब्रैकेट में a + b + c, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बस ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को छोड़ के इधर इधर क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को इधर ही रखकर बाकी सारा टर्म्स को इधर भेज दिया, और सिंस ये टर्म इधर पॉजिटिव था ये टर्म भी इधर पॉजिटिव था, तो बाय द टाइम ये दोनों इधर आया वो नेगेटिव हो गया, क्लियर है इतना, आई होप आपको ठीक से समझ में आया हो। ओके अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर तीन टर्म है, 1, 2, 3, ठीक है, कितना टर्म्स है यहां पर, तीन टर्म्स है, और ये तीनों टर्म्स में ये पार्ट कॉमन है, a + b + c, a + b + c, a + b + c, क्यूब है यहां पर, ठीक है। अब अगर हम a + b + c कॉमन ले ले यहां से, तो क्या बचेगा, a + b + c हम कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, क्यूब था एक चला गया बाहर, बचेगा a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ मिस किए हम, हाँ कुछ मिस किए हम, यहां पर 3bc था तो यहाँ पे एक c मिस कर दिए थे हम, आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं हो, आप लोग बोलोगे भी कैसे, आप लोग तो सिर्फ कमेंट कर सकते हो, -3bc × a + b+, यहाँ क्या बचेगा, -3bc, बहुत बढ़िया। और यहां से जब ये a + b + c कॉमन चला गया, क्या बचा, बस ये टर्म बचा, माइनस
थ्री ए इंटू बी माइनस थ्री ए इंटू सी, क्लियर है? इसको बॉक्स कर दो ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। एक्चुअली हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग करना ये चाहते हैं कि मुझे एक आइडेंटिटी पर पहुंचना है, एक फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी बना रहे हैं हम और उसको याद रखना है हम लोग को, ठीक है? वही बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया, यहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है? ओके, अब हम मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जगह नहीं बचा मेरे पास, इसको मुझे मिटा दे दीजिए प्लीज। आप लोग अच्छे से कॉपी कर लिए होंगे, मुझे जहां तक ध्यान है आप लोग के बारे में, ठीक है? ओके, अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। देखिए ये लाइन है यहाँ पर, ये बचा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है माइनस थ्री ए बी, थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री ए सी, या फिर सी ए की बात है। अब आपको याद है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या हुआ करता था, याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, याद आया? उसको यूज करते हैं हम लोग। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री सी ए। दिस इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। आई होप आपको समझ में आया हो। हम लोगों ने इसके जगह ये आइडेंटिटी यूज किया और बाकी तीनों टर्म्स को सेम रख दिया, ठीक है? अब देखिए विच इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है? अब देखिए ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, बी सी है भी है, बी सी का भी लाइक टर्म है, सी ए एंड सी ए का लाइक टर्म्स है, पर देखो यहाँ प्लस है प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री एंड प्लस टू माइनस थ्री कितना होता है माइनस वन, क्या बचेगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो कहना ये चाहते हैं कि आपको ये आइडेंटिटी तक हम लोग को पहुंचना था, बस हम लोग को ये आइडेंटिटी तक पहुंचना था और हम लोग को ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ओके, अब देखिए ये आइडेंटिटी को कैसे याद रखें हम लोग, ऐसे याद रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, कैसे याद रखो यार, और क्या ऑप्शन है, ठीक है? ये आइडेंटिटी पे हम लोग को पहुंचना था, ठीक है? अब चलिए ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिस्कशन है। ये आइडेंटिटी ऑब्वियसली आपको डिराइव नहीं करना है एग्जाम में, कभी पूछेगा भी नहीं, कहीं भी नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए ना एटलीस्ट कि आइडेंटिटी आया कहां से, ठीक है? ओके, इसको हम तो लिख देंगे फिर से, ठीक है? ओके, देखो अगर कोई भी चीज आपको याद करना हो ना, बहुत बड़ा चीज है, आप उसको दो तीन चार पांच बार लिखो तो आपको याद हो ही जाएगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, याद होना ही हो जाएगा, होगा ही नहीं कैसे नहीं होगा, हो ही जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो फाइनली हम लोग के पास क्या रिलेशन है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी।
और सिंस ये आइडेंटिटी है इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू आर ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल. सिंस ये एक आइडेंटिटी है इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल c इंटू ए. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, प्लीज याद रखिएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी. ठीक है, ओके. बट मोस्टली एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो क्या पूछता है कि एक कंडीशन पुट कर देते हैं लोग, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि ये पार्ट जीरो है एंड व्हेन जीरो मल्टीप्लाइड विद समथिंग विल ऑलवेज गिव अ जीरो व्हिच इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. एक सेकंड, वी हैव रिलेशन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, और इन अदर वर्ड्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी प्रोवाइडेड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो जीरो आएगा. क्या समझ में आपको, अगर ये जीरो होगा तभी तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी से तो जीरो आ जाएगा, तभी तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा. इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये जीरो है, इसको भेज दे ये हो गया 3 एबीसी. एंड ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक दिस इज वन ऑफ द काइंड. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड. ये रिलेशन एक्चुअली यही से आ रहा है, पर फिर भी आपको इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, याद तो अलग से रखना ही पड़ेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तभी वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, नहीं तो वैलिड नहीं है. ये रहा, ये हम लोग के लिए था कि ऑल अबाउट थ्योरी. ठीक है, ये हो गया, इसको नोट, इस दोनों को नोट कर लीजिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर थ्योरी. ये हो गया आपका, क्या था इसका थ्योरी, मतलब क्यूब ऑफ अ ट्राइनोमियल के पीछे बस यही दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, और फिर तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आज ये ज्यादा हो गया है, ये दोनों इसको समझना बहुत जरूरी है कैसे आया है. आप लोग प्लीज इस पर फोकस कीजिए एक दो बार, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग. ओके, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम ये पे समाप्त करते हैं. टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.